हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसके आगे हमें पढ़ना है कि इम्यून सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं उन सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए पहले देख लेते हैं कि ये इम्यून सिस्टम क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व है। ये हमारा इम्यूनोलॉजी का 7th लेक्चर है। अगर आप बायोसाइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ साइंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ICR ICMR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूँ आपकी एजुकेटर नमिता। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, इससे टॉपिक क्लियर होता चलेगा। जैसे अगर बात करें इम्यून सिस्टम की, तो आज हम इम्यून सिस्टम देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं, हमने इननेट इम्यूनिटी देख ली है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी देख ली है, इसमें हमने टी सेल इम्यूनिटी, बी सेल इम्यूनिटी मतलब सेल मेडिएटेड, और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी देख ली है। ये सब चीजें हम देख चुके हैं कि बी सेल इम्यूनिटी में बी सेल इन्वॉल्व रहता है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व रहती है, प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व रहती है, जबकि टी सेल में कौन इन्वॉल्व रहता है, सेपरेशन हेल्पर और साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व रहता है, और जो कि बॉडी सेल्स जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं वायरस या अदरवाइज डैमेज के थ्रू उनकी डेथ कर देता है। फिजिकल में इन्वेट में हमने फिजिकल बैरियर देख लिए थे, स्किन है, स्लाइवा है, स्टमक एसिड है, टीयर्स है, ये सब क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। और अगर हम ब्लड बॉन्ड की बात करें तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व थी, न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोफाजेस, बेसोफाइल्स, इओसिनोफिल्स, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब इन्वॉल्व थे और ये क्या कर देते थे, ऑर्गेनिज्म की डेथ कर देते थे। या फिर कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू, साइटोकाइंस के पाथवे के थ्रू भी क्या होता था, डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता था। ये हमने इननेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी देख ली थी। इननेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व थी ये भी देख ली थी। आज हम यही इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है अब ये आगे पढ़ेंगे। आज हम पहले कंप्लीट करेंगे इम्यून सिस्टम। तो अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यून सिस्टम का पूरा पूरा फंक्शन क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन को रोकना या फिर उसको कम करना। इम्यून सिस्टम कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई तरह की सेल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, या तो पूरी बॉडी में फैली रहेंगी अलग अलग प्रकार की सेल्स, या फिर पर्टिकुलर टिश्यू में रहती है। प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक रोल होता है, वो अपनी अपनी तरह से प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, फंक्शन कार्य करते हैं। इम्यून सिस्टम जो होता है वो पूरी बॉडी में फैला रहता है, इसमें कई प्रकार की सेल्स, ऑर्गन, प्रोटीन और टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो इनका मेन काम क्या होता है इम्यून सिस्टम का, कि ये हमारी टिश्यू और फॉरेन की जो टिश्यू है उनमें डिफ्रेंशिएट कर सके, अंतर पहचान सके कि सेल्फ कौन सी है और नॉन सेल्फ कौन सी है, और जो भी डेड या फॉल्टी सेल्स है उनको पहचान करके और इम्यून सिस्टम क्या करता है, उनको क्लियर कर दे। इम्यून सिस्टम के थ्रू उन्हें क्लियर कर दिया जाता है, जो भी डेड है, फॉल्टी सेल है, जो भी इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सब काम भी इम्यून सिस्टम का ही होता है। इम्यून सिस्टम में कई सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि अगर इम्यून सिस्टम कोई भी पैथोजन को फेस कर रहा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैक्टीरिया ले लिया, वायरस ले लिया, पैरासाइट ले लिया अगर, तो उसको फेस करता है, तो फिर ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून रिस्पांस शो करता है, ग्रो करेगा इम्यून सिस्टम, जिसे क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पांस कहेंगे। इम्यून रिस्पांस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं और दो एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। कौन कौन सी, पहला तो रिकॉग्नाइज करना, और रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट क्या करना, रिस्पॉन्स करना। इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिकॉग्निशन प्रोसेस इसका क्या होता है, वो एक रिमार्केबल होता है इसकी स्पेसिफिसिटी के लिए। इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, ये केमिकल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है, के थ्रू क्या होता है कि एक पैथोजन से दूसरे पैथोजन में अंतर हो जाता है, मतलब एक पैथोजन आया उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, और दूसरा पैथोजन है उसमें क्या अंतर है ये भी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। किसके थ्रू, केमिकल डिफरेंसेस के थ्रू, क्योंकि वो केमिकल डिफरेंसेस को पहचान लेता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम क्या करता है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स के बीच में अंतर कर लेता है कि कौन सा फॉरेन मॉलिक्यूल्स कैसा है, फिर उसके अगेंस्ट बॉडी की सेल्स और प्रोटीन्स ही है वो रिस्पॉन्स। एक बार अगर इम्यून सिस्टम फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो वो उसी के अगेंस्ट कई सारी इम्यून सेल्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है, शामिल करता है,
किसके एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए। ये एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए कई सारे सेल्स और मॉलिक्यूल्स को शामिल करेगा। इसे क्या कहेंगे, इफेक्टर रिस्पॉन्स कहेंगे। इस इफेक्टर रिस्पॉन्स के थ्रू ही क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी में, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। प्रत्येक पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक यूनिक प्रोसेस की जरूरत होती है। मतलब कई सारे इफेक्टर रिस्पॉन्सेज में से कोई एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जो होगा वो क्या करेगा, पर्टिकुलर पैथोजन को एलिमिनेट कर पाएगा। तो वो इस प्रोसेस के थ्रू ही इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनिशियली रिकॉग्निशन इवेंट में। बाद में क्या होता है कि अगर सेम फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर दोबारा बॉडी में एक्सपोज होता है तो मेमोरी रिस्पॉन्स के थ्रू उसको क्या कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है और तेजी से जल्दी ही क्या किया जाता है, इम्यून रिएक्शन बढ़ता है और उसको पैथोजन को एलिमिनेट कर दिया जाता है और डिजीज से बचा जा सकता है, डिजीज को रोक दिया जाता है। तो ये था इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में मेन हमने क्या देखा, इम्यून सिस्टम में कई सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं जिससे कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, डिजीज से बचाया जाता है। ब्लड का क्लासिफिकेशन अगर आपने देखा होगा तो ब्लड जो होता है वो तीन टाइप की ब्लड से मिलकर बना होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो RBC और प्लेटलेट्स ये दोनों तो फिजियोलॉजी में मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जो WBC है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम में। ये इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करता है WBC। WBC में ही जो सेल्स इन्वॉल्व है यही हमें पढ़ना है। WBC दो प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलर में आ जाएंगे इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स। नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाएंगे लिम्फोइड और मोनोसाइट। लिम्फोइड में हम पढ़ेंगे बी टाइप और टी टाइप। टी टाइप में आ जाएगा तीन प्रकार का, TH, TS और TC। और बी में आ जाएगा प्लाज्मा और मेमोरी सेल, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक, ये सब पढ़ेंगे। तो यही मेन सेल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में मेन रोल प्ले करती है। तो वन बाय वन हमको इतना पोर्शन कवर करना है। और RBC और प्लेटलेट्स की बात हम ब्लड में करेंगे जब हम ब्लड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस टाइम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें WBC का मेन रोल है क्योंकि ये बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स या इन्फेक्शन डिजीज से। तो WBC से कौन कौन से सेल्स बने होते हैं, और ये WBC और RBC किससे बने होते हैं, ये स्टेम सेल से बने होते हैं, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल कैसी होती है, ये प्लूरिपोटेंट होती है। प्लूरिपोटेंट ऐसी सेल होती है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इतनी पोटेंसी होती है कि वो कई तरह की या सभी प्रकार की सेल्स को क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, सभी प्रकार की प्लूरी मतलब, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को नहीं कर सकती। और टोटी में वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को भी क्या कर सकती है, बना सकती है, ऐसी सेल डेवलप करेंगी। लेकिन प्लूरी में वो लगभग सभी प्रकार के सेल्स को बना सकती है लेकिन वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर सकती। तो ये था हमारा इम्यून सिस्टम। आज हमने इम्यून सिस्टम कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम में जो सेल्स इन्वॉल्व रहती है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट उसके बाद हम एक एक को डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।